بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. معزز سامع کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حدیث نہیں ہے کہ عنوان پر، आपका भाई मोहम्मद आकिल एक बार फिर जद्दा से आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। सोशल मीडिया पर सही बुखारी का नाम लेकर लोगों को बहुत धोखा दिया जा रहा है और मैं अक्सर उन अहादीस को आपकी खिदमत में पेश किया करता हूं। आज भी एक झूठी रिवायत जो फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर आम की जा रही है, आपकी खिदमत में पेश करूंगा और उस पर मुख्तसर सा तबसरा भी। वो जो हदीस नहीं है ये आपके सामने स्क्रीन पर है। एक मर्तबा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तंदूर पर रोटियां लगा रही थी और साथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, देखकर मुस्कुरा रहे थे। फरमाया, क्या एक रोटी मैं भी लगा दूं? फिर आपने एक रोटी लगाई और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पूछा कि बाबा, ये तो रोटी पक ही नहीं रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिस चीज को हाथ लगा दूं उस पर आग हराम हो जाती है। और ये मैसेज लोगों को धोखा देने के लिए कहा जाता है कि ये सही बुखारी की हदीस है। ये यहां कोने पे आप देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है कि ये सही बुखारी की हदीस है। हालांकि सही बुखारी में ये हदीस कतई तौर पर मौजूद नहीं है, बल्कि आपको यह हैरत होगी कि हदीस की किसी किताब में आपको यह हदीस नहीं मिलेगी। ये हदीस नहीं है, यह झूठी रिवायत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही हदीस बुखारी शरीफ के अंदर है, हदीस नंबर 2753, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, वानजिर अशीरतकल अक्रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को आप डराइए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब अपने रिश्तेदारों को जमा फरमाया और एक एक का नाम लेकर कहा, या अब्द मुनाफ, ए सफिया बिनत सफिया, और ए फातिमा बिनत मोहम्मद, और अब्दुल्लाह, ए अब्बास, अपने चचा को फरमा रहे हैं, अपनी फूफी को फरमा रहे हैं नाम लेकर। और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो ही फातिमा जो हसनैन की वालदा मोहतरमा है, वो फातिमा जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा है, वो फातिमा जो खदीजतु रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में खेलने वाली फातिमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलख्त जिगर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म का हिस्सा। आप जरा तसव्वुर कीजिए, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार पुकार कर फरमा रहे हैं कि अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लो, मुझसे जो चाहिए मुझे इससे यहां ले लो, लेकिन मैं वहां तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा, कुरैश वालों के काम नहीं आऊंगा, बिनते मोहम्मद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके भी काम नहीं आऊंगा। इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि हाथ लगाने से किसी चीज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर आग हराम नहीं होती है, और जिस चीज पर आग हराम होती है वो आपका अकीदा है, अमल है, तौहीद है। आपकी तौहीद आपको आग से बचाएगी, आपके आमाल आपको आग से बचाएंगे। आप अगर बिदअतों से पाक हैं, झूठी रिवायात से दूर हैं, तो यकीनन आप आग से महफूज हो जाएंगे। लेकिन नसब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी चीज को हाथ लगाना, ये बात कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज को मेरा हाथ लग जाए उस पर जहन्नुम की आग हराम है, सही बुखारी में नहीं है, सही मुस्लिम में नहीं है, हदीस की किसी किताब में ये मौजूद नहीं है, ये शियों का प्रोपेगंडा है। और इस प्रोपेगंडे से आपको मुतलब रहना चाहिए, आपको होशियार रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये बदअकीदगी दाखिल करने का एक जरिया इन्होंने बना लिया है। ये लोग चाहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात हर उस चीज को, चूंकि हमारे यहां सही बुखारी के अंदर ये हमारा अकीदा है कि असदकुल किताब बाद किताबिल्लाह फिल अर्द, सही बुखारी कुरान करीम के बाद सबसे ज्यादा सही तरीन किताब है। अब
جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے وہ جھوٹا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ جہنمی ہے کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا بہتان باندھا ہے. اور آپ لوگ جو اس طرح کے میسیجز کو دین کی بہت بڑی خدمت سمجھ کر لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑی دین کی خدمت کر لی ہے, معذرت کے ساتھ آپ نے دین کی خدمت نہیں کی ہے. آپ کو چاہیے کہ جو چیز آپ کے پاس آئے, جو روایت آپ کے پاس آئے, اس روایت کو تحقیق کرنے کے بعد آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ آپ اپنا جھوٹی روایتوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور سوشل میڈیا پر یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. جو چیز آئی وہ آپ نے دوسروں کے ساتھ شیئر کر لی, نہ 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 ایسا نہ کیجئے. صرف ان چیزوں کو شیئر کیجئے جو مصدقہ ہوں, جو علماء کرام, جو آپ کے رابطے میں علماء کرام ہیں ان سے رابطہ کیجئے, ان سے پوچھئے کیا یہ حدیث صحیح ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ صحیح ہے تو تحقیق کے ساتھ اسے منظر عام پر پیش کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجر ملے گا. لیکن اگر جھوٹی روایات آپ پیش کریں گے تو آپ بھی, آپ کا شمار بھی جھوٹوں میں ہو جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو جھوٹوں کے لسٹ میں شامل کرانے سے بچا لیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.